नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल नंबर 7 पर आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जन आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल से बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, आपको एक पैसा भी नहीं देना है, ना किसी ई मित्र पर जाना है, केवल आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से जन आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भामाशाह कार्ड बंद होने वाला है, और दोस्तों यदि आपके भामाशाह कार्ड बंद हो गया है तो आप जन आधार कार्ड से वो सारी सुविधा ले सकते हो जो आपके भामाशाह कार्ड में थी। और दोस्तों, यदि आपके भामाशाह कार्ड बना हुआ है तो आपको जन आधार कार्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भामाशाह कार्ड के थ्रू ही आपका जन आधार कार्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको आपके प्ले स्टोर पर जन आधार ऐप डाउनलोड करनी होगी। यह ऐप आपको दोस्तों प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। अगर आपको ये ऐप नहीं मिलती है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस ऐप का लिंक ले सकते हो। तो दोस्तों, प्ले स्टोर पर आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना होगा। ध्यान रहे दोस्तों, यह ऐप 15 MB की है, जो कि आपको 10 सेकेंड में ही डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों, इसे आप ओपन कर लीजिएगा। तो मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप ओपन करते हैं तो दोस्तों, आपके सामने जो है एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको जन आधार कार्ड लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपके सामने दोस्तों चार तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ गेट जन आधार आईडी, गेट डीबीटी डिटेल, उसके बाद गेट जन आधार स्टेटस, और उसके बाद गेट ई कार्ड। तो दोस्तों, यदि आपने जन आधार कार्ड नया बनाया है तो आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो और उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। यदि आपका भामाशाह कार्ड बना हुआ है तो आपको दोस्तों करना क्या होगा, डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आपको दोस्तों आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एसएसओ लॉगिन, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपकी एसएसओ आईडी डालनी होती है। तो दोस्तों, मैं अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन कर लेता हूँ और आपको लाइव प्रूफ के साथ जन आधार कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो मैंने अपनी एसएसओ आईडी डाल दी है, यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। और दोस्तों, आपको भी आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी पहले, उसके बाद ही आप अपना जन आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं दोस्तों अपनी एसएसओ लॉगिन कर ली है। एसएसओ लॉगिन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर गेट ई कार्ड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो गेट ई कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप एक क्लिक करते हैं तो आपका जो है जन आधार कार्ड डाउनलोड हो जाता है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये बोल रहा है प्लीज़ वेट, थोड़ा सा वेट लेगा दोस्तों 5 सेकंड का, उसके बाद आपका जन आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, अलाउ जन आधार टू एक्सेस फोटोस मीडिया एंड फाइल ऑन योर डिवाइस। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिक्योर है, आपको इसको अलाउ कर देना होगा। तो मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद दोस्तों ये बोल रहा है कि आप इसे किस में ओपन करना चाहते हो। तो मैं इसे PDF रीडर में ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ओपन करता हूँ दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा जन आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो भी जन आधार कार्ड होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जन आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, बिल्कुल फ्री में घर बैठे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लो यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। और यदि आपको कोई भी समस्या हो इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।